हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अच्छे से तैयारी कीजिए। कल मैंने आपको फरवरी की करंट अफेयर कराई थी, आज मैं आपको उसकी मार्च की करंट अफेयर कराऊंगी। देखिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये बिहार से संबंधित क्वेश्चन है। 29 फरवरी 2024 को बिहार सरकार ने विस्टार स्टार्टअप इको सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा सिडबी। 29 फरवरी 2024 को श्री साद अहमद वाराइच भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? तो पाकिस्तान के। 29 फरवरी 24 को आई नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? 5% पर। 29 फरवरी 2024 को देश के नए लोकपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अजय माणिक राव खानविलकर। 29 फरवरी 2024 को किसने पशु कल्याण पहल वनतारा शुरू की है? तो रिलायंस ने। कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? तो फ्रांस। देश का पहला सेमीकंडक्टर फेब किस राज्य में स्थापित होगा? गुजरात। कौन सी राज्य सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी? उड़ीसा। 1 मार्च 2024 को किसे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 के मेजबान के रूप में घोषित किया गया है? तो बीजिंग। 2 मार्च 2024 को पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुजरात में। 2 मार्च 2024 को महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर होगा चंडीगढ़। 2 मार्च 2024 को भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र लक्षण अभ्यास आयोजित किया गया है? मलेशिया। 2 मार्च 2024 को 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। 2 मार्च 2024 को कहाँ चाप चरकूट त्योहार मनाया गया है? मेघालय। किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। 3 मार्च 2024 को भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा निकारागुआ। 4 मार्च 2024 को किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर प्रदीप महाजन। 4 मार्च 2024 को किस राज्य सरकार ने इंदिरा माँ आवास योजना शुरू की है? तो इसका आंसर होगा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। 4 मार्च 2024 को किस राज्य की सदियों पुरानी आभूषण कला सिलचल फिलीगरी चांदी तारकसी को जीआई टैग मिला है? तो उड़ीसा को। 4 मार्च 2024 को जारी आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? भारत। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी। 4 मार्च 2024 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 174वा मनाया है। कौन सी राज्य सरकार मई युवा योजना शुरू करेगी? तो उत्तर प्रदेश। 5 मार्च 2024 को सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मत पत्र की अनुमति दी है? तो 85 वर्ष। किस बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? टाइगर वुड्स को। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो बी साई परनीत ने। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? शिमला। किस राज्य के आदिवासी पोशाक रिक्शा को जीआई टैग मिला है? त्रिपुरा। 5 मार्च 2024 को स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में
भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? हिसार में। 5 मार्च 2024 को किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना शुरू की है? तो ये की है राजनाथ जी ने। 5 मार्च 2024 को भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पटना में। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। 6 मार्च 2024 को कौन सी राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी? तो पुनर्विवाह विधवा करेगी झारखंड। कौन सा भारत का सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो केरल। 6 मार्च 2024 को किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में। 6 मार्च 2024 को भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश में। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कोलकाता में। 7 मार्च 2024 को किसने पहली UEFA महिला नेशंस लीग जीती है? तो स्पेन ने। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो यतीन भास्कर ने। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? मिस्र देश ने। किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है? तो UAE ने। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। 7 मार्च 2024 को किस राज्य में पहले जेनेटिव AL शिक्षक आए रिस्क पेश किया गया है? तो केरल में। 7 मार्च 2024 को किसने मीथेन सेट लॉन्च किया है? स्पेक्स ने। INS जटायु को कहां नौसेना द्वारा कमीशन किया गया है? तो लक्षद्वीप में। 8 मार्च 2024 को किसने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया है? पीयूष गोयल ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 8 मार्च 2024 को कौन नाटो का 32वां सदस्य बना है? तो ये बना है स्वीडन। 8 मार्च 2024 को भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया गया है? जैसलमेर। 8 मार्च किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए हैं? तो नरेंद्र मोदी ने। 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य कौन बना है? तो पनामा बना है। कौन बना है? पनामा। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी? तो बेंगलुरु में। कौन भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी? तो इंडियन ऑयल। भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास हुआ है? अमेरिका। 8 मार्च 2024 को किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? सुधा मूर्ति को। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टीना पिजकोवा ने। किस देश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है? तो बांग्लादेश में। 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन है? जेम्स एडरसन। 9 मार्च 2024 को कृषि मंत्रालय ने कहां कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? दिल्ली। बिचोम किस राज्य का 27वां जिला बना है? अरुणाचल प्रदेश का। प्रीतजर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? रिकेन यामामोटो ने। 9 मार्च 2024 को SAP ने किसे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? मनीष प्रसाद को। 10 मार्च 2024 को SEA-6 एनर्जी ने पहला मैकेनाइज्ड समुद्री शैवाल फार्म कहां खोला है? इंडोनेशिया में। पूर्व उत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 कहां आयोजित किया गया है? इम्फाल में। 10 मार्च 2024 को किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर। मोदी ने कहां मेहतारी वंदना योजना का शुभारंभ किया है? तो छत्तीसगढ़ में।
10 मार्च 2024 को किस राज्य के माजुली मकुटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? असम। 11 मार्च 2024 को किस राज्य सरकार ने पर्यावरण परिवारों के थान के लिए नीगल नालामा योजना शुरू की है? तमिलनाडु। 11 मार्च 2024 को कहां महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? तो इसका आंसर होगा कुशीनगर। 11 मार्च 2024 को न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश का। 11 मार्च 2024 को मिस वर्ल्ड हुमेनेटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नीता अंबानी को। 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने असम और किस राज्य को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश। 11 मार्च 2024 को किसे नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ घोष को। 11 मार्च 2024 को किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका आंसर होगा असम। 2019-2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन बना है? भारत। एक्सरसाइज केट लेक्स एक्सरसाइज 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? सेशेल्स। पीएम मोदी ने किस राज्य में कोच रब आश्रम का उद्घाटन किया है? गुजरात। 12 मार्च 2024 को किसे लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो दिल्ली हवाई अड्डे को। 12 मार्च 2024 को किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू को। 13 मार्च 2024 को कहां पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ है? जापान में। 13 मार्च 2024 को भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गुजरात में। 13 मार्च 2024 को खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति कार्यक्रम का उद्घाटन कहां किया गया है? चंडीगढ़ में। लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क। FIH पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? नीदरलैंड। 14 मार्च 2024 को किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार तथा सुखबीर संधू को। 14 मार्च 2024 को किसने प्रसार भारती की नई सेवा PB शब्द को लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर ने। 14 मार्च 2024 किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मंजुला रामास्वामी को। 14 मार्च 2024 को फूल देवी त्योहार कहाँ शुरू हुआ है? तो उत्तराखंड में। 5 मार्च 2024 को किसने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है? तो ग्रीष्मा कुठार तथा रीतिका चोपड़ा ने। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है? मुंबई। 15 मार्च 2024 को फसेई द्वारा भारत में कितनी जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है? 100%। 16 मार्च 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च की है? महाराष्ट्र ने। CNG होगा शायद। 16 मार्च 2024 को किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया है? स्पेक्स ने। 16 मार्च 2024 को किसे PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया है? रतन टाटा को। 16 मार्च 2024 को देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? सऊदी अरब। विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? हैदराबाद। 16 मार्च 2024 को जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक 23-24 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 134वें। 34 मार्च किस राज्य में पांडुवोला गुट्टा को भू विरासत घोषित किया गया है? तेलंगाना। 17 मार्च को किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? आइसलैंड में। कौन सा देश मरने में सहायता को
मरने में सहायता को वैध बनाएगा फ्रांस। 17 मार्च को निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है? शीतल देवी पैरा तीरंदाज को। देखिए महिला 17 मार्च 2024 को भारत की नुमाली गढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? बांग्लादेश ने। 17 मार्च 2024 को भारत ने पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? भुवनेश्वर में। 18 मार्च 2024 को महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। 18 मार्च 2024 को किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डी एम कृष्णा को। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहां खुला है? तो नई दिल्ली में। पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो पोखरा को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। नोटिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया है? तो मंगल ग्रह पर। 18 मार्च को ECI ने किस राज्य मिशन 414 अभियान शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने। 19 मार्च को किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 मार्च को किस देश ने भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा वियना। दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन बना है? बांग्लादेश। 19 मार्च 2024 को किसे डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उदय भाटिया तथा मानसी गुप्ता को। 19 मार्च 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 शुरू आयोजित किया गया? अमेरिका। 19 मार्च को गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो साखी। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो बेगूसराय। 20 मार्च 2024 को खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? किरण रिजिजू को। 20 मार्च 2024 को भारतीय सेना ने अपने पहले अपाचे स्क्वाड्रन की स्थापना कहां की है? जोधपुर में। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर उमा रेले। 20 मार्च 2024 को किसे सरस्वती सम्मान 2023 से मिला है? 2023 मिला है प्रभा वर्मा को। 20 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना ने अनुसंधान के लिए किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो IIT खड़गपुर के। पूर्व उत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहां शुरू हुआ है? तो नागालैंड में। 20 मार्च 2024 को किसने लोकतंत्र के लिए AL जोखिमों की चेतावनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? दक्षिण कोरिया ने। 20 मार्च को किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो यस बैंक ने। विश्व प्रसन्नता सूचांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो यह है आपका 126वें स्थान पर। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो भाषा नेट लॉन्च किया है। 21 मार्च 2024 को भारत और किस देश ने पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है? ब्राजील ने। 21 मार्च 2024 को चौथे शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहां किया गया है? तो नई दिल्ली। 21 मार्च 2024 को किसे माइक्रोसॉफ्ट का नया AL प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो मुस्तफा सुलेमान को। भारतीय सेना ने कौन सी तकनीकी यूनिट पेश की है? तो स्टेक। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहां शुरू होगी? जम्मू कश्मीर में। 21 मार्च 2024 के सूचना अनुसार किस देश की सरकार डिस्पोजल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाएगी? न्यूजीलैंड। नयना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण।
22 मार्च 2024 को किसने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता है? तो बीना अग्रवाल तथा जेम्स के बोयस ने। देखिए 22 मार्च 2024 को किसे भूटान के सर्वोच्च सम्मान अवार्ड ऑफ ग्यालपो से सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी को। मार्च 22 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो बिहार का। 22 मार्च 2024 को इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है, इसका नाम क्या दिया है? पुष्पक। 22 मार्च 2024 को हेती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन इंद्रावती। 23 मार्च 2024 को CAG ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस IIT साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो IIT दिल्ली के साथ। साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। 23 मार्च 2024 को भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो ये आंसर होगा आपका भूटान को। अगला क्वेश्चन देखिए 23 मार्च 2024 को किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की SAI स्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो मध्य प्रदेश। अर्थ ओवर 2024 कब आयोजित हुआ? 23 मार्च को। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुला है? इसका आंसर होगा श्रीनगर। 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? विराट कोहली। 24 मार्च 2024 को किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठित की गई? तो डॉक्टर वाई चंद्रचूड़। 24 मार्च 2024 को किस अमेरिकी राज्य ने संगीतकारों और कलाकारों को AL से बचाने के लिए कानून बनाया है? टेनेसी। ऐतिहासिक होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय में शुरू हुआ? सिख। 24 मार्च 2024 को कौन सा बैंक इंडिया स्टार्टअप्स को 2,250 मिलियन डॉलर रन देगा? तो DBS बैंक। 24 मार्च 2024 को किस देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए QQIAO2 रिले उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने। 24 मार्च 2024 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के एक क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया। 25 मार्च को चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दी है, इसका नाम क्या रखा गया? तो शिव शक्ति। 25 मार्च 2024 को डोल पूर्णिमा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मनाया गया पश्चिम बंगाल में। 25 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ ग्यालत सुवेन जेत सून पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है? भूटान। 25 मार्च 2024 को जल संसाधन नियंत्रण पटट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान। 26 मार्च को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? बांग्लादेश का। 26 मार्च 2024 को किस हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। 26 मार्च 2024 को जारी हुरून रिसर्च की 2024 ग्लोबल रीच लिस्ट में एशिया की बिलेनियर कैपिटल कौन बना है? मुंबई। 26 मार्च को किसे एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो मिशेल टेला ग्रेड फ्रांसीसी गणितज्ञ। सत्ताईस मार्च 2024 को किसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है? चुनाव आयोग ने। 27 मार्च 2024 को ऑस्ट्रियन ग्रां प्री किसने जीता है? कार्लोस सेंज ने। अभय ठाकुर किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो म्यांमार के। 28 मार्च 2024 को अडानी पोर्ट्स ने 3,350 करोड़ रुपए में किस राज्य के गोपालपुर रिपोर्ट का अधिग्रहण किया है? उड़ीसा।
28 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया के निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो केवी गिल। 28 मार्च 2024 को पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में कितने स्वर्ण पदक जीता है विने ने? 29 मार्च 2024 को अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया? चीन। 29 मार्च 2024 को बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के चैंपियन कौन बनाया? हरियाणा। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया? थाईलैंड। 29 मार्च 2024 को आई वार्षिक भारत टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2015 से टीबी के नए मामलों में कितने प्रतिशत गिरावट हुई है? तो 16%। किसने टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवार्ड जीता है? तो विजय सेन ने। 30 मार्च को लैटिन अमेरिका क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं? तो इसका नाम है विजय छेत्री। 30 मार्च 2024 की सूचना अनुसार कल्याण चालुक्य राजवंश के 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया? तेलंगाना में। 30 मार्च 2024 को मेदिन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? श्रीलंका में। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? बेल्जियम में। 30 मार्च को दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राजस्थान में। 30 मार्च 2024 को बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन बन गया है? फ्रांस।